हेलो गाइस, तो बात करने वाले टेरा लूना कॉइन के अपडेट्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है मार्केट में, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करें टेरा क्लासिक की प्राइस की, तो 0.3010 के सीरीज़ में ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट गाइस 3% का गाइस यहां पे आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस वॉल्यूम में यहां पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 50% वॉल्यूम में डाउन है, मतलब लोग यहां पे सेल कर रहे हैं। बेसिकली गाइस मार्केट में भी करेक्शन है, मार्केट थोड़ा सा फॉल हुआ BTC का प्राइस, तो इसलिए लोग यहां पे थोड़ी सी सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन गाइस ओवरऑल देखो तो प्राइस एक अच्छा खासा स्टेबल मेंटेन करके अपवर्ड ट्रेंड में मूवमेंट की कोशिश कर रहा है, क्योंकि गाइज यहां पे टेरा की तरफ से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहती हैं। सबसे जो पहली अपडेट निकल कर रही गाइज, यहां पे होल्डर्स लीपिंग रिवॉर्ड्स इन LUNC एज ल्यूनेटिक टोकन बिकम्स द नंबर वन बर्नर। बेसिकली ल्यूनिट टोकन जो है वो टेरा लूना को सपोर्ट करने के लिए गाइज यहां पे बना है। 550 मिलियन लूना को यहां पे बर्न कर चुके हैं फर्स्ट वीक के अंदर ही गाइज, और फर्स्ट बन गया ल्यूनिटिक LUNC बर्नर में। और गाइज CMC पे भी मल्टीपल चेंज एडवर्टाइज कर रहे हैं। बेसिकली गाइज यहां पे अगर देखोगे तो जो इतनी बर्निंग होती है टेरा ल्यूनिट की तरफ से यहां पे उन्होंने शेयर किया है, देख सकते हो 5.5, यहां पे देख सकते हो 55, जैसा को मैंने बताया था कि 550 मिलियन लूना कॉइन बर्न, तो यहां पे देख सकते हो 550 बर्न हुआ है। MEXC की तरफ से भी गाइस यहां पे 533 मिलियन लूना कॉइन बर्न, और 22 जितनी भी अलग अलग एक्सचेंजेस यहां पे बर्निंग कर रहे हैं। बेसिकली एक सपोर्ट देखने को मिला जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको पता है कि लूना का भी बर्निंग प्रपोजल पास हो चुका है, तो इससे गाइस इसके कारण गाइस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बर्निंग पे जोर दिया जा रहा है। दूसरी अपडेट की बात करें तो गाइस यहां पे डूकॉन की तरफ से अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे साउथ कोरियन की जो प्रोस्पेक्टर है वो उन्होंने रैप अप कर दिया। बेसिकली क्या, जो भी टेरा रेट के ऊपर रेट्स जो भी यहां पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसको गाइस रैप अप कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में निकला है, ये इस आर्टिकल में दिया गया, तो जरूर चेक कर सकते हो। बाकी गाइस क्या होने वाला है इसका इंतजार हम लोगों को रहेगा, क्या ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या रिजल्ट आई है वो भी आपको कुछ दिनों के बाद यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बात कर रहे ड्यूकॉन की अरेस्ट की या फिर कुछ, तो ऐसा कुछ अभी होना पॉसिबल नहीं है, कुछ फाइन लग सकता है, बट गाइस अभी के अकॉर्डिंग कुछ बोलना सही नहीं हो सकता है। अगली अपडेट की बात करें तो यहाँ पे टेरा की तरफ से अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बताया टेरा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप कर रहा है। जैसे टेरा की जो माइग्रेशन अभी कंप्लीट हो गई है टेरा बोट्स में, टेरा बोट्स 3D मेटावर्स आर बैक वंस अगेन, जहाँ पे देखो टेरा का जो 3D मेटावर्स है गाइस फिर से बैक हो चुका है ऑन द ट्रैक पे। साथ ही साथ टेरा का 902 टू प्रोवाइड मैट्रिक्स डेओ ल्यूनेटिक्स टोकन ग्रांट फ्रॉम कम्युनिटी पूल टू फंड अबव फूड है सक्सेसफुली पास। बेसिकली एक और प्रपोजल पास हो चुका है, जहां पे आप इसका टेरा का जो जितना भी मैटिक्स है जितना भी डेटा वगैरह आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बात है। टेरा स्टेशन में जाकर आप डिटेल्स में भी चेक कर सकते हो। यूरिकॉन्स प्रोटोकॉल की तरफ से गाइज आपको बताया कि यहां पे टेरा को सपोर्ट देखने को मिला है, और गाइज टेरा मनी इज़ लिस्टेड ऑन नोवेयर आर्ट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी अपडेट दे चुका हूं। बेसिकली गाइज टेरा टाइम टू टाइम अपने यूजर्स को रेगुलर बेसिस अपडेट देता है। एक और अपडेट है गाइज 85 एक्टिव वैलिडेटर ऑन लूना क्लासिक, 85 नोट्स, 85 डिफरेंट स्टेकिंग ऑप्शन, और गाइज यहां पे 6.9 मिलियन लूना मूव कर गया है फ्रॉम टेरा वॉलेट से, तो गाइज यहां पे आप चेक कर सकते हो। बेसिकली गाइज यहां पे आप लूना को स्टेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहां पे बर्निंग भी होगी, कितने अमाउंट बर्निंग हो रही है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली डिफरेंट कम्युनिटी लूना को सपोर्ट कर रहे हैं, और गाइज यहां पे प्राइस में आपको इजाफा भी देखने को मिलेगा कमिंग समय में। अभी गाइज के लिए इतना ही बोलना चाहता हूं कि अगर आप इसमें धीरे धीरे करके एक्युमुलेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी गाइज ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। वीडियो इन तक था गाइज, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।